नॉलेज इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मनीष गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और मैं LIC। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि LIC क्यों लेनी चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है कि लोग बोलते हैं कि LIC ही क्यों लें, बाकी हम क्यों ना लें, किसी दूसरी कंपनी का या बाकी कोई चीज़ हम क्यों ना लें। तो उसी पर एक टॉपिक है कि मैं वो बताना चाहता हूँ कि लोग LIC को क्यों लें। आज की डेट में अगर हम भारतवर्ष में ये बात करें कि इंश्योरेंस करीब कितने लोगों के पास है, तो एक अगर आंकड़ा निकालें कि अगर हमारे 1000 लोग को अगर हम एक रेशियो लेके चलें तो 1000 में जनरली क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि इंश्योरेंस किसके पास है तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये 100 से 125 लोगों के करीब का निकल के आता है। तो उस तरीके के देखा जाए तो एक 10 से 12% के करीब का निकल के आता है, जो कि आज की डेट में अभी भी बहुत कम है। आबादी आज की डेट में करोड़ों में है और हमारे इंश्योरेंस केवल लाखों में ही है। तो ज़रूरी ये है कि आज की डेट में हर आदमी की एक ज़रूरत है कि पहले वो अपना खाना पीना करे, एक रहने की व्यवस्था करे, लेकिन एक प्रोटेक्शन भी साथ में लेना ज़रूरी होता है कि अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेता है तो उसके जो फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो उस पर बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी कभी अनसर्टेन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है और कोई उसके संग कैजुअलिटी हो जाती है, सपोज दैट उसके हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया, वो काम करने के लायक नहीं बचा, तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत गड़बड़ा जाएगी। बाकी उसके जो खर्चे हैं वो तो कम नहीं होंगे लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी को कवर करने के लिए क्या होता है कि आज के डेट में करीब, चाहे वो एक छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, एक पॉलिसी को लेना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिसी भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि हमारी लाइफ हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, जनरल इंश्योरेंस हो सकती है, मेडिक्लेम पॉलिसी हो सकती है। तो किसी भी वे में वो कोई भी पॉलिसी अपने ढंग से या अपने मतलब प्रोफेशनल को देखते हुए वो पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए और भी हो जाती है कि पहले हमारा फॉर्म 4 पन्ने का होता था, जो हमारा आज की डेट में ये हमारा 12 पन्ने का हो चुका है। तो फॉर्म कुछ हमारा इस तरीके से हो चुका है जो कि आपको फ्लैश हो रहा होगा। तो इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो KYC से रिलेटेड भी हैं, तो KYC से रिलेटेड डिटेल भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आपको इसमें बैंक अकाउंट को भी आज की डेट में कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल को भी इसमें साथ साथ फिल कराना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपके कोई भी मैच्योरिटी क्लेम या सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम या सरेंडर केस में कोई जो चीज़ें लगती हैं वो सब आपकी इसी के थ्रू हो सके और आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो सके। तो ये कुछ फॉर्म मैं आपको शो कर रहा हूँ जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो चेंजेस हुई हैं, तो फॉर्म इसीलिए लेंथी हो गया है। तो अगर आप ये देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल इसमें मांगी गई है। इसमें 2 नए ऑप्शन और भी जोड़ दिए गए हैं कि इन केस अगर कोई प्रपोजर की डेथ होती है और डेथ के बाद अगर हमारा जो नॉमिनी है उस पेमेंट को अगर इकट्ठे ना चाह के वो आप उसको मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली वे भी सेटलमेंट करा सकता है। तो उस ऑप्शन को कैश कराने के लिए हमारे कंपनी ने इस फॉर्म में ही एक आपके 11 नंबर पेज पे इस फॉर्म को ऐड कर दिया है। ये 11 नंबर आपका फॉर्म है जिसमें आपका ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं कि जिसमें कि हम डेथ बेनिफिट को पार्ट पेमेंट में भी हम दे सकते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है जिसमें कि हमारे इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप मैच्योरिटी जो सेटलमेंट है वो आप किस तरह से चाहते हैं वो भी आपके सामने है। पहले हमारे पास केवल एक ही विकल्प होता था कि मैच्योरिटी को केवल फुल एंड फाइनल आपका अकाउंट में भेज दिया जाता है, लेकिन आज वो क्या है कि हम उसको पार्शियल में भी आपको दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको आप एक तरीके से MIS के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब मंथली मोड में भी ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड पे भी ले सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको कंटिन्यूस उसका पेमेंट मिलता रहे। तो ये कुछ चेंजेस हमारे हुए थे, तो ये चेंजेस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। दूसरा ये है कि एक हमारी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी उसमें भी थोड़ा चेंजेस आया है। इसमें भी पर्सन का हमारा जो वेरिफिकेशंस वगैरह जो हमने की हुई है उसकी, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि हमने उससे क्या चीज़ पूछी है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं। तो इस पेपर पे हमारे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको जब तक हम फुलफ़िल नहीं करते हैं तो हमारा प्रपोजल फॉर्म है वो आगे हमारा नहीं भरता है। तो चूँकि करीब करीब यहाँ पे भी पर्सन से रिलेटेड सारी जानकारी हमने इसमें भर दी जाती है,
तो ये सारे चीज़ें हमारे पास आज की डेट में LIC ने इम्प्लीमेंट की हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो जो कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का महत्व बहुत बढ़ गया है। दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से कोरोना में लोगों की डेथ हुई हैं या इस महामारी में लोगों को दिक्कतें हुई हैं, तो आज हमारा इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा सा इसीलिए बूम पे आ गया है कि आज हर कोई पॉलिसी लेने के लिए इच्छुक हो चुका है। जो पहले इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए निगेटिव रहता था, आज वो पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि उसके सामने सारी चीज़ें आज वो दिख रही हैं कि किस तरीके से मतलब लोगों की डेथ हुई है, उनको क्लेम मिले हैं, और जहाँ पे क्लेम मिला है तो वहाँ पे आदमी फट से एक ट्रस्ट फील करता है कि भाई हमने इस कंपनी का लिया हुआ है और इसका मेरे को क्लेम पूरा पूरा मिला है यहाँ पे।